खबर है बलिया से, जहां कलेक्ट्रेट कर्मचारी और अधिवक्ता संघ ने आमने सामने धरने पर बैठ गए। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों और अधिवक्ताओं में मारपीट का मामला तूल पकड़ रहा है। दोनों संघ का धरना प्रदर्शन जारी है, एक दूसरे पर जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मोर्चा संभालने में जुटा हुआ है। कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट का काम ठप कर दिया। डीएम कार्यालय पर वह धरना प्रदर्शन देते हुए नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं ग्राउंड जीरो से प्रभुनाथ सिंह के साथ यह रिपोर्ट। इस तरह का मैं ओम प्रकाश दुबे अध्यक्ष कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन बलिया। मामला ये है कि एक हमारे कृपा शंकर यादव वकील हैं, वो जो है 24/1/23 को रिकॉर्ड रूम में एक मुआयना करने के लिए दरखास्त दिए थे और कल जो है 27 को वो मुआयना करने के लिए गए रिकॉर्ड में और कहे कि आप जो है कागजात निकाल दीजिए, हमको मुआयना करना है। तो उन्होंने कहा कि आपकी दरखास्त गुम हो गई है, तो आप दूसरी दरखास्त दे दीजिए। तो अधिवक्ता जो है एक दूसरी दरखास्त लेकर के लिखना शुरू किया, तब वो बुलाए कि आप कुछ पैसा दे दीजिए, हम रिकॉर्ड निकलवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि और अधिवक्ता ने कहा कि हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम इतना पैसा अधिक नहीं लिए हैं आबादकारी से कि हम पैसा आपको घूस दें, आप जो है पैसा निकाल करके दे दीजिए, हम मुआयना कर लेंगे। अब इस पर वो आग बबूला हो गए और उसको जो है अब अपशब्द बोलने लगे। तो अधिवक्ता ने कहा कि आप अपशब्द क्यों बोल रहे हैं, आप तनख्वाह पाते हैं, तनख्वाह आपका सरकार से आपको मिलती है, आप ये अवैध उगाही क्यों करते हैं। अब इसी पर आग बबूला होकर के उसको मारने लगे। अधिवक्ता जो है बाहर निकला कि जो अकेले था, बाहर निकला तो बाहर दौड़ा करके अपने कर्मचारियों के सो बाहर निकल करके उस अधिवक्ता को मारे हैं। हाँ, वो काले काले कोट में वो था। अब जो है किसी तरह से हम लोगों को जानकारी हुई आए तो इन लोगों की एक मानसिकता है कि कभी भी किसी भी समय में हर अदालतों में ताला बंद कर दें, तो उसमें ताला बंद करके लोग चले गए। हम लोग जो है फिर प्रयास किए कि इन लोग से मिले, तो उसके बाद हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय से मिला, सीआरओ महोदय से मिला और सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिला। उसके बाद हम लोग फिर कोतवाल गए, अपना जो है FIR के लिए हम लोग कॉपी दे दिए हैं, लेकिन अभी पता चला है कोतवाल साहब कह रहे हैं कि हमने FIR दर्ज कर दिया है, लेकिन जो सुसंगित धारा है उसमें कोतवाल साहब ने FIR दर्ज नहीं किया है। हम लोगों ने भ्रष्टाचार की का जो है दरखास्त दिया है कि वो पैसा लेकर के और धनुगाही करने के लिए वो पैसा लेकर का मांग किए हैं और इसकी धारा उन्होंने नहीं लगाया है। हमारी मांग है कि जब तक वो सुसंगत धारा नहीं देते हैं तो तब तक हम लोगों का आंदोलन एन कैन किसी भी प्रकार से चलेगा और हम लोग फिर अपना जो है हर राय सलाह करेंगे और एक संयुक्त मीटिंग बुलाएंगे और संयुक्त मीटिंग बुलाने के बाद जो है जो भी आगे की निर्णय होगी हम लोग तय करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार कि भ्रष्टाचार में जो कर्मचारी लिप्त है, जो इसके लिए जिम्मेदार है, उसकी उसके ऊपर कार्रवाई हो, उसको निलंबित किया जाए, उसके बाद जांच करके और उसको जो है सस्पेंड किया जाए। मेरा नाम कौशल कुमार उपाध्याय है, मैं कलेक्ट्रेट संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। जी, किस बात के लिए आप लोग धरना देंगे, क्या है मांग आपको, किस तरह की आपको? कल सुबह 11 बजे हमारे बड़े भाई रविशंकर जी राजस्व लेखागार के अभिलेख रक्षक हैं, वो अपने पटरी पर सरकारी काम कर रहे थे। उसी बीच रामकृपाल यादव करके एक अधिवक्ता है, नया आया हुआ है, वो आदमी गया और उनके साथ अचानक हमला कर दिया। उनके वो एक मुआयना का अप्लीकेशन कह रहा है कि दिए हुए हैं, लेकिन रविशंकर सिंह जो श्रीवास्तव द्वारा ये बताया गया कि भाई अगर आप अप्लीकेशन दिए तो हमको नहीं मिला है, दूसरा दे दीजिए। इसी बात पर उनके ऊपर चढ़ गया, मार दिया, उनका नाक के ऊपर कट गया, उनका चश्मा टूट गया, दाहिने आँख के ऊपर कट गया, छाती में मार दिया, वो गिर गए, लहूलुहान हो गए। उसके बाद कर्मचारियों द्वारा उनको लेकर के हॉस्पिटल गए और जा करके इलाज उनका कराया गया। क्या तो ये हम लोग हॉस्पिटल में भाई रविशंकर श्रीवास्तव जी का इलाज करा रहे थे, उस दौरान कलेक्ट्रेट खाली था, खाली परिसर समझ के ये लोग जो है सिविल कोर्ट से बुलाए कुछ वकीलों को और अपने मिल करके और पूरा नाराबाजी करते हुए ये लोग सारे परिसर में घूमे और घूमने के बाद सीआरओ साहब के यहाँ गए, सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ गए, SP साहब के यहाँ जाके ये लोग दरखास्त दिए, FIR हम लोगों के ऊपर उल्टे कराए। हम लोग भी FIR के लिए दिए हैं, FIR हो गया हम लोगों की तरफ से भी। तो अभी यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, अभी क्या आप लोगों की मांगे हैं और क्या कर रहे हैं अभी आप लोग यहाँ पे धरने में बैठे? FIR की कॉपी आ गई है, 5-6 धाराएं हैं उसमें, और मांग हम लोगों का यही है कि जो अधिवक्ता मारे हैं, अत्याचारी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनका गिरफ्तार हो और उनका लाइसेंस बार काउंसिल में लिख करके जिलाधिकारी महोदय भेजे निरस्त करने के लिए। जिलाधिकारी महोदय को हम लोग पत्रक दिए हैं तो उनके द्वारा सकारात्मक रुख अपनाया गया है, तो अभी हम लोग तो आज एक दिन का किए हैं, कल रविवार है, कल तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो सोमवार को पुनः हम लोग यहाँ बैठेंगे धरने पर
ये हम लोगों का अनवरत चलता रहेगा गिरफ्तारी होने तक और उनके खिलाफ लिख करके जाने तक।